एक अप्रैल साल के 365 दिनों में अकेली ऐसी तारीख है जिस दिन लोग बुरे से बुरे मजाक का भी बुरा नहीं मानते। इस तारीख को लोग अप्रैल फूल डे के तौर पर मनाते हैं, जो इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है। हिंदी में इसे महामूर्ख दिवस भी कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाकर खुश होते हैं, हालांकि ये हंसी मजाक के लिए होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अप्रैल फूल की शुरुआत कब हुई और इसे क्यों मनाते हैं। माना जाता है कि लोगों को फूल बनाने वाले दिन अप्रैल फूल की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। ब्रिटेन के कवि जोफी चौसर की किताब की कहानी नैन ब्रिक टेल्स के मुताबिक इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और भूमिये की रानी एनी की सगाई की तारीख 32 मार्च घोषित कर दी गई, जिसे वहां की जनता ने सच मान लिया और मूर्ख बन गए। तब से 32 मार्च यानी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक दूसरी कहानी के मुताबिक प्राचीन यूरोप में हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता था। हालांकि 1852 में पोप ग्रेगोरियन 13 ने नया कैलेंडर अपनाने के निर्देश दिए, जिसमें नया साल 1 जनवरी को मनाया जाने के लिए कहा गया। इसके बावजूद कुछ लोग 1 अप्रैल को ही नया साल मानते थे, जिन्हें मूर्ख समझकर मजाक उड़ाया जाने लगा। तो अप्रैल फूल डे का आप भी मजा लें और एक दूसरे को सोशल मीडिया पर खूब शेयर करें जो, लेकिन ध्यान रखें आपके मजाक से किसी को नुकसान ना हो।